गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब फैंटास्टिक होगा, धमेलास्टिक भी। तो आज मैं कौन नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिस सीरीज का नाम है वर्ल्ड फास्टेस्ट स्मार्टफोन, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं, स्मार्टफोन्स तो मैंने देखे हैं, टैबलेट्स भी देखे, पर सबसे पावरफुल है कौन, इस वीडियो में आपको पता चलेगा यार। और अगर आपको ऐसी सीरीज देखनी है, ऐसी वीडियोस देखनी है, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और अगर आपको फोन पीसी लैपटॉप और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो यार अगर मेरा चैनल जाकर विजिट करो, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ एप्पल की तरफ से iPad Pro 2020 एडिशन, मींस सेकेंड जनरेशन। तो आज मैं बात करूँगा इसके स्पेक्स के ऊपर, क्यों बताऊँगा कि ये क्यों ये सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है, और अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपको किस टॉप नॉच क्वालिटी का आपको गेमिंग फील होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके डिस्प्ले के पा रहा हूँ, तो IPS LCD डिस्प्ले है जो टिपिकल डिस्प्ले होता है, बट एक ट्विस्ट है, ये 16 मिलियन कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है। बात आऊँ इसके स्क्रीन साइज के ऊपर, तो 12.9 की स्क्रीन मिलती है, 12.9 की, बट आपको इसका अपर वेरियंट मिल जाएगा जिसमें थोड़ा बड़ा स्क्रीन होगा। बात आऊँ मैं इसके OS के ऊपर, तो आपको टिपिकल iPad OS मिलेगा जो 13.4 होगा, बट आप अपग्रेड कर सकते हो इसे 13.6.1 जो लेटेस्ट वर्जन है iPad OS का। बात आऊँ मैं चिपसेट की, तो एप्पल सबसे बेहतरीन चिपसेट लगाता है जो वो टिपिकल अपने iPads में लगाता है, वो है एप्पल का A12Z Bionic चिप, जो बहुत ही क्रेजी पावरफुल है, और मैं बताऊँगा अभी क्यों पावरफुल है। बातों में मेमोरी के ऊपर, तो 128GB का आपको मेमोरी मिलती है, और अगर आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्ट हो चेक करने की क्या क्या और कौन चीज़ें हैं। वैसे मैं बता दूँ इसमें 1TB तक का स्टोरेज आपको मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, अभी तो कमिंग सून है, अभी आप परचेस नहीं कर सकते, बट डिस्क्रिप्शन से लिंक से परचेस करोगे तो मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बातों में कैमरे के ऊपर, तो आपको 12 MP का सिंगल कैमरा मिलता है जो है वाइड एंगल कैमरा, और 10 MP का भी एक कैमरा मिलता है जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो मतलब जो मेन कैमरा वो भी वाइड अल्ट्रा वाइड है, बट जो 10 MP वो डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड के लिए। और जो तीसरा वो है लाइडार सेंसर, अब ये डेप्थ को मेजर करने के लिए आपको मैंने बताया होगा, अगर आप मुझे पिछले से आगे मतलब पुराने वीडियो से फॉलो कर रहे हो। बातों में सेल्फी कैमरा की, तो आपको सिंपल एक कैमरा मिलता है 7 MP का, जिसमें आप HD कॉलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इसके फ्रंट में भी। अब आता हूँ क्यों मैंने इसे रखा है वर्ल्ड के सबसे फास्ट स्मार्टफोन, वही तो एक्साइटमेंट है यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आपको अटूटू बेंचमार्क्स बता दूँ, ये आता है 7,12,218 स्कोर के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा है। और बात मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर एक इंफॉर्मेशन नहीं बताया कि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, मीन आप गेम्स को लिटरली 120 हर्ट्ज में एंजॉय कर सकते हो, चाहे वो पबजी हो, पबजी तो वैसे अभी 120 हर्ट्ज में नहीं आया, बट अगर आप देखो तो बहुत नए नए ग्राफिक्स ऑप्शन खुल चुका है पबजी में, और मेरे हिसाब से तो आप 90 FPS या 120 FPS अगर आया तो आप आराम से इस iPad में आप आराम से उस FPS की गेमिंग कर सकते हो इन वेरी हाई सेटिंग्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन वेरी हाई सेटिंग्स। तो क्रेजी सीन है। और बात करूँ मैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आपको 6GB की आपको रैम मिलती है, जो टिपिकल है, आपको पता है एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है, तो बहुत है ये 6GB रैम। और आपको पबजी तो वैसे बैन हो गया, बट अभी भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बैन हुआ है तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पबजी मोबाइल के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप सर्च कर लो यार, हर चीज़ थोड़ी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, बट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लो। बात आऊँ मैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आपको आराम से अभी तक पबजी में जो टॉप मोस्ट सेटिंग है वो आपको फील हो जाएगी, जो बहुत ही क्रेजी है। तो इतनी सी यार इस वीडियो के लिए, ज़्यादा अगर अभी देखो मैं थोड़ा अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, बट धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा यार। और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में।